श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे अचानक इनके तीर्थाश्रम आए। हमारा दो दिन पहले परिक्रमा हुआ 13 तारीख तो परिक्रमा में विचार लिया था नहीं पाने के लिए, लेकिन बाद में सोचा था हमारे साथ में प्रा 70 लोग अचानक आने से बात तो तकलीफ हुआ, इसलिए हम ऐसी किसी चीज हमको डांग मारा था दिन, इसलिए अचानक हमको आज शाम को पाठ करने के बाद हम बोला चलो हमारे जगह पर जाने का मौका मिलेगा। कहो तो हमारा समय नहीं होगा तो ये भी आ गया। आज तो बोला कि मध्वाचार्य मध्वाचार्य हमारा आचार्य है, आज ही हम बोल रहा था मध्वाचार्य हमारा मंदिर में मध्वाचार्य पिछले जन्म में कौन थी, तो पिछले जन्म में देखोगे तो भीमसेन पवन पुत्र भीमसेन पवन हनुमान दोनों मिला तो भीम को मैं भीम के देखो भीम हम बोला दे शरीर में 6 दुश्मन है। क्या कहा नाम बोला फिर दसवां राम क्रोध लोभ मोह ये 6 दुश्मन महाभारत में भी थे मूर्ति का मूर्ति काम का मूर्ति थे कृचक कृचक का कौन बात किया और क्रोध विश्वास दुश्वासन द्रौपदी का बाल पकड़ के घसीट हुए जिस प्रकार किया वो तो गुस्सा नहीं होने से बोल नहीं सकता, स्वाभाविक रूप से बोल नहीं सकते कर नहीं सकता, तो उनको बात का उनका बात कम किया दुस्साहन का बात कम किया दुश्वासन कौन किया भीमसेन छाती तोड़ के लोही पीने का व्रत भीमसेन काम को लो भीमसेन मोह जरासन कौन व्रत किया भीमसेन भीमसेन काम को लो मद मद मतलब दारू पी के चूर हो हाँ कौन था हिडिंबा का भैया हिडिंब और क्या मत्सर्य का मूर्ति महाभारत में कौन छे को मारा शरीर में छे को छे दुश्मन का मारा बहुत मतलब दुश्मन का स्वभाव तो बदल के हमारे शरीर में अंदर हुआ छुपा हुआ जो 6 दुश्मन है छिपा हुआ
स्वभाव को बदल के भगवान का सेवा में लगाना ही हमारे लिए बात है। हम लोग का अभी क्या हमारा जो इंद्रियों का दास है, लेकिन गोस्वामी तब होता आचार्य तब होता जब इंद्रियों का वास नहीं है, इंद्रियों का प्रभु माने जाते, इंद्रियों को इंद्रियों का दास नहीं है, इंद्रियों का वास माने ऐसा इंद्रियों का हमारा जो बोलता वही करता है, लेकिन इंद्रियों का प्रभु जब बन बनेगा जब वास दास नहीं वास बनेगा तो अच्छा तो हमारा भीम सेन देखो पवन पुत्र होते हुए देखो बाद में कोई मतलब होते हुए रूप में जाओ तो देखोगे मध्वाचार्य का ताकत छोटा वो सही रूप दूध को हाँ सही रूप से रक्षा करने के लिए कुछ बड़ा बहुत बड़ा पत्थर तुम हिला नहीं सकता, अभी तुम जाओगे तो पत्थर अभी भी है, आओ एक बार मध्वाचार्य छोटा रूप से था उसी समान एक सूखा 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 लकड़ी लेकर के उनका पापा को बोल रहा था कि जो हम मायावाद को खत्म कर दें संप्रदाय को मायावाद को खत्म कर दें, तो पापा बोला तुम लगभग मत करो चुपचाप तुम करोगे तो दिखाओ हमारे सूखा लकड़ी को पेड़ बना कर दिखा दो आदमी देखो वो पेड़ का जहाँ रूपा में है जहाँ रूपा में अभी भी आज जिंदा है, अभी भी हम सब देख सकते जहाँ कर चमत्कार ये सुना गया उनका पिताजी का बहुत कर्जा था उधार लिया पैसा नहीं वापस देने के लिए वो लोग आकर के उल्टा सीधा बात करने लगे, ऐसा देख के इमली का पेड़ वहीं पे वो इमली का पेड़ अभी नहीं लेकिन वही इमली का इमली जहाँ पेड़ लगा हुआ था वहीं अभी अपनाए वाला पेड़ लगा दिया वही वहीं से पेड़ से इमली लेकर के उनको कॉइन बना के सब कितना सब कर्जा था सब वापस कर दिया। देखो ये सही चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है मध्वाचार्य एक बार सागर का किनारे में बैठ बैठ के श्लोक लिख रहा आधा श्लोक लिखा मैंने आधा मतलब 18 श्लोक नौ श्लोक लिखा हो गया। उसके बाद देखा है जहाज सिर अटक गया सागर में, सागर में अटक गया तो बहुत मुश्किल पर उसमें पड़ गया, बहुत कोशिश किया कुछ भी नहीं कर सकता, तो मध्वाचार्य के पास आकर के तो देखा साधु जी है बोला कुछ करो, तो जा करके थोड़ा धक्का लगाने से जहाज चलने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जहाज का मालिक तो बहुत प्रसन्न मन कैप्टन जो था प्रसन्न होकर के बोला कहीं क्या चाहिए बताइए, तो तिलक मटी चाहिए तिलक था ना वो भी चंदन मंगा लिया बहुत बड़ा इतना भजन है 30 लोग मिल के उठा नहीं सकते आसान से उठा लिया, उठा के जब आया जो अभी जो मंदिर है ना मंदिर में देखो वहीं पे बाजू में एक तालाब उन पर किए उन पर अचानक मध्वाचार्य का हाथ से गिर गया हाथ तिलक में मैंने कभी चंदन से बीच के बीच में था कृष्ण
वही कृष्ण नित्यानंद है। तो अभी प्रश्न है, हमारा आराध्य भगवान चैतन्य महाप्रभु मतलब राधा कृष्ण बस श्री कृष्ण है, वृंदावन को न देखो कृष्ण एक है। हम लोग कैसे बोल सकता कि हम लोग मध्वाचल तथा परंपरा में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही परंपरा का शिकार है। हमारा परंपरा हम लोग बोल सकता ब्रह्म परंपरा, ब्रह्म परंपरा का शिकार किया चैतन्य महाप्रभु इसलिए, लेकिन हमारा असली परंपरा का नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय सरस्वत परंपरा। गौड़ीय क्यों? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का पास में राधा रानी का रखा। क्यों रखा? राधा रानी का कृपा छोड़ के कई लोग कृष्ण का कृपा मिलना बहुत असंभव। ऐसा ही शास्त्र ने बोला, बिना राधा प्रसाद मत प्रसाद राधा रानी का कृपा नहीं होने से हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं, विश्व का कृष्ण होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए भगवान है, और भगवान मैंने होते हुए जो बना के दिया कृष्ण के पास में राधा रानी। और हमारा सरस्वत परंपरा क्यों? प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा के नृत्य भूमि में आदि मठ चैतन्य मठ में विग्रह किया, उसी मूर्ति में उसी मूर्ति ऐसा है मदन मोहन मालव्य नाम के एक पंडित आता है, द्रौपदी जी के पास अब बहुत तप किया, तप करने से बात पूछा, अच्छा ये जो तुम मूर्ति किसका मूर्ति? बोला चैतन्य महाप्रभु। हाथ उठा के ऐसा की, हाथ उठा के नृत्य भूमि क्यों पूछा? उत्तर ऐसा दिया, भगवान का नाम, भगवान होते भी भगवान का नाम मेरे घर के नाम में यह आनंद मुकुट पड़े, इसलिए पूर्ण शरणागत हो गया। ऐसा ही भक्तों भाव लेकर के हम सबके ऐसा ही शिक्षा मिले। तो इस प्रकार इसी परंपरा में हम लोग इसीलिए देखो चैतन्य गौड़ी चैतन्य गौड़ी मठ गोपीनाथ गौड़ी मठ देखो कीर्तन होने से बात क्या करते हैं, बताई गोरी और हरी गो ऐसा बताना चार बार निर्माण लोग करते इस प्रकार कर लेगा। करने का अर्थ ऐसा है बताई गोर का कृपाण से कीर्तन कीर्तन प्रवर्तित हुआ, और कीर्तन ही हमारा हमारे लिए हमारा चरम चरम जो लक्ष्य चरम लक्ष्य क्या है? राधा बंधन सेवा सेवा प्राप्त करने का लक्ष्य ही है। स्वरूप मिलेगा, स्वरूप से स्वरूप मतलब हमारा ये जो तस्वीर देख रहा वो जो मूर्ति देख रहा है मूर्ति हमारा हमारा अलग से मूर्ति है, जिसमें भी रूप मंदिर का मूर्ति क्या स्वरूप है, रूप मंदिर स्वरूप है रूप संघ स्वरूप रूप मंदिर उनका उमर कितना चौदह बरस आठ महीने सत्ताईस महीने, उनका वस्त्रों का रंग क्या मयूर कुछ इस प्रकार से हरे उनका सेवा क्या ललित सिंह का हिस्सा है, ललित ललित सिंह का पूरा जो मदद कर ललित सिंह हमारा हमारा परंपरा में मूल सखी का ललित सिंह उनका अनुगत में सेवा करना चाहिए। तो ललित सिंह के कुंज में है अनन्य मंजिल रूप मंजिल, तो हमारा इसलिए रूप
भोजन का अनुगत नहीं करने से ललित सेवा नहीं मिलेगा, और ललिता का अनुगत नहीं करने से राधा रानी का सेवा नहीं मिलेगा, राधा रानी का सेवा नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा, और राधा रानी कृपा नहीं होने से कृष्ण की भावी भावी नाम को जाना होगा। काल हमका हमको तो आपका भी बहुत बहुत खर्च हुआ ना, कल देखा से ना इसलिए हमको जाना होगा। तो हमको बोला बेचारा जो छोटा रूप से मध्य सब चलता था, आज परंपरा का विचार रे कृष्ण।